अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के खिलाफ वायरल हुए पत्र बम से जहां प्रदेश बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, वहीं अब पत्र बम की फारेंसिक सिंह जांच पूरी होने पर पूर्व मंत्री रविंदर रवि का नाम सामने आने पर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। हमीरपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठाने ने पत्र बम को बेहद ही दुखद करार दिया है और राजनीति को शर्मसार करने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के खिलाफ वायरल हुए पत्र बम से जहां प्रदेश बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, वहीं पत्र बम की फॉरेंसिक जांच पूरी होने पर पूर्व मंत्री रविंदर रवि का नाम सामने आने पर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। हमीरपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने पत्र बम को बेहद ही दुखद करार दिया है और राजनीति को शर्मसार करने वाला बताया है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि बीजेपी में एक दूसरे नेता के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच सही ढंग से होनी चाहिए और पत्र बम निकलने के बाद आए सच्चाई के बाद सबको पता चल गया है कि अनुशासन की बात करने वाली पार्टी की पोल जग जाहिर हुई है। ये एक बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक कुलीग दूसरे कुलीग के ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी ये सार्वजनिक जीवन से साथ जुड़ता है, राजनीति के साथ जुड़ता है, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और जो कुछ इसमें एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए और सच जो है बाहर आना चाहिए कि ये सच्चाई कहाँ तक है। इस पत्र बम से और इसकी सच्चाई से निकलने के बाद जो अब हुआ, इससे तो ऐसा लगता है कि अब बीजेपी जो कभी अनुशासित पार्टी अपने आप को कहती थी सत्ता के दूर रह के, आज वो मैं समझता हूँ कि बिखरी हुई है, बंटी हुई है और आने वाले कल में ये भी ताश के पत्तों के साथ 52 जगह में घूमेगी। वही हमीरपुर की अनदेखी पर कुलदीप पठानिया ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जिला की अनदेखी की बात कांग्रेस पार्टी के अलावा बीजेपी के लोग भी इस बात को मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर को सालों में कोई सौगात तक नहीं दी गई है और जो मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की देन है उस पर भी नील पत्थर रखने के बाद इतिश्री कर दी गई है। कि जब से हमीरपुर हिमाचल में कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस पर कांग्रेस की सरकार गई और बीजेपी सत्ता में आई, उस दिन से आज दिन तक हमीरपुर के नाम से सतीला व्यवहार हो रहा है। हम नहीं, कांग्रेस के को लोग नहीं, इवन भाजपा के लोग भी इस बात को मानते हैं कि हमारे हमीरपुर में किसी विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं हो रही है और ना हमीरपुर में कोई मुख्यमंत्री के दौरे हुए हैं, ना कोई ऐसी कोई सौगात दी गई है। इवन जो कांग्रेस के वक्त में एक मेडिकल कॉलेज जो खुला था उसका यहाँ से फाउंडेशन करके चले गए, लेकिन आज तक उसके नाम से एक ईंट भी वहाँ तक नहीं पहुँची है। तो इससे साफ जाहिर है कि हमीरपुर के साथ जो है वो सतीला व्यवहार बरता जा रहा है।